नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Realme C21Y versus Infinix Hot 11 का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Realme C21Y में 6.48 इंच जबकि Infinix Hot 11 में 6.48 इंच की लेंथ मिलती है, जो कि सेम जैसी ही है। विड्थ की बात करें तो Realme C21Y में 2.99 इंच जबकि Infinix Hot 11 में 3 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि सेम जैसी ही है। बात करें थिकनेस की तो Realme C21Y में 0.36 इंच जबकि Infinix Hot 11 में 0.35 इंच की थिकनेस मिलती है, जो कि सेम जैसी ही है। अब बात करते हैं वेट की तो Realme C21Y में 200 ग्राम जबकि Infinix Hot 11 में 201 ग्राम का वेट देखने को मिलता है, जो कि सेम जैसा ही है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही Realme C21Y में 20:9 जबकि Infinix Hot 11 में 20:5:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Realme C21Y में 6.5 इंचेस जबकि Infinix Hot 11 में 6.6 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन Realme C21Y में 720x1600 और Infinix Hot 11 में 1080x2408 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Realme C21Y में 81.59% जबकि Infinix Hot 11 में 83.8% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Realme C21Y में 270 पिक्सेल प्रति इंच जबकि Infinix Hot 11 में 400 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Realme C21Y में 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, मैक्रो कैमरा देखने को मिलता है। और Infinix Hot 11 की बात करें तो इसमें भी हमें 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, डेप्थ लेंस देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो दोनों फोन में 7 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो Realme C21Y में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 5 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। और Infinix Hot 11 में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो Realme C21Y में Mali G52 जबकि Infinix Hot 11 में Mali G52 MC2 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो Realme C21Y में Unisoc T610 और Infinix Hot 11 में MediaTek Helio G70 मिलता है। बात करें RAM की तो Realme C21Y में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 3GB 4GB की RAM मिलती है, जबकि Infinix Hot 11 में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 4GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो Realme C21Y में 2 वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 32GB 64GB की स्टोरेज मिलती है, जबकि Infinix Hot 11 में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है, जिसमें 64GB स्टोरेज मिल जाती है। एक्सपैंडेबल मेमोरी दोनों फोन में अप टू 256GB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V11 देखने को मिलती है। बैटरी Realme C21Y में 5000 mAh जबकि Infinix Hot 11 में 5200 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो Realme C21Y में 2 कलर्स जबकि Infinix Hot 11 में 4 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं।
सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो Realme C21Y में दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं, जिसमें की 3GB रैम 32GB स्टोरेज के साथ 8,999 रुपीस, 4GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ 9,999 रुपीस में मिलता है। और बात करें Infinix Hot 11 की तो उसमें एक ही वेरिएंट मिलता है जो कि 4GB रैम 64GB स्टोरेज के साथ 8,999 रुपीस में मिलता है। दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की तो Realme C21Y में 6 फायदे और 1 नुकसान देखने को मिलता है, जबकि बात करें Infinix Hot 11 की तो उसमें 4 फायदे और 0 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है, मेन कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है, परफॉर्मेंस में Realme C21Y आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Xiaomi Redmi 9 Prime है जो कि 12,499 रुपए में मिलता है। दूसरा Xiaomi Redmi 9 Power है जो कि 13,499 रुपए में मिलता है। तीसरा Samsung Galaxy F12 है जो कि 11,999 रुपए में मिलता है। और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Realme C25S है जो कि 11,599 रुपीस में मिलता है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज लाइक करना मत भूलना।